दोस्तों यूं तो आज हजारों मोबाइल लोन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है जो आपको कम सैलरी पर इमरजेंसी लोन देने का दावा करती है। इन एप्लीकेशन में बहुत सी लोन एप्लीकेशन ऐसी भी है जो लोगों से पैसा लेकर उन्हें धोखा देने का काम भी करती है। लेकिन आपको पता होगा कि हम इस चैनल पर नियमित रूप से आपके लिए सही और सुरक्षित लोन एप्लीकेशन की जानकारी लेकर आते हैं। हमने बहुत सी कई वीडियो लोन एप्लीकेशन के रिव्यू को लेकर बनाई है और इसी कड़ी में आज हम आपके लिए टॉप 3 ऐसी मोबाइल लोन एप्लीकेशन की जानकारी लेकर आए हैं जो आपको कम सैलरी पर इमरजेंसी लोन देने का दावा करती है। तो यदि आप भी कम सैलरी पर इमरजेंसी लोन लेना चाहते हैं तो ये जानकारी आपके बहुत काम की हो सकती है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि आज की इस वीडियो में हम न केवल इन लोन एप्लीकेशन की बेसिक जानकारी देंगे बल्कि इनके रेटिंग रिव्यू के साथ ही साथ यहाँ से लोन लेने पर लगने वाले ब्याज और चार्जेस की जानकारी भी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। बिना देर किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंगलेश, आप है हमारे चैनल पर नो बकवास ओनली फाइनेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि गूगल प्ले स्टोर पर बहुत सी लोन एप्लीकेशन मौजूद है जो आपको तत्काल लोन यानी इंस्टेंट लोन देने का दावा करती है। लेकिन आज हम जिन 3 लोन एप्लीकेशन की जानकारी लेकर आए हैं उनकी गूगल रेटिंग और रिव्यू दूसरे लोन एप्लीकेशन से कहीं बेहतर है और इसी आधार पर हम आपके लिए इन लोन एप्लीकेशन की जानकारी लाए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले लोन एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों इस लोन एप्लीकेशन का नाम है वीराइज पर्सनल लोन ऐप। वॉटगेज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डेवलप और ऑपरेट की जाने वाली इस लोन एप्लीकेशन की मुख्य विशेषताओं की बात की जाए तो यह सिर्फ 12,000 की सैलरी पर लोन देने का दावा करती है। वीराइज पर्सनल लोन एप्लीकेशन के यूजर की बात की जाए तो अभी तक इस लोन एप्लीकेशन को 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है और इस एप्लीकेशन की गूगल रेटिंग की बात की जाए तो लोगों ने इसे 4.4 स्टार दिए हैं जो कि बहुत अच्छी रेटिंग मानी जा सकती है। लोन अमाउंट की बात की जाए तो वीराइज पर्सनल लोन ऐप से आप 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। लोन अवधि की बात की जाए तो आप इस लोन को 6 महीने से लेकर 36 महीनों में चुका सकते हैं। वीराइज पर्सनल लोन ऐप से लोन लेने में लगने वाले ब्याज और चार्जेस की बात की जाए तो ब्याज के रूप में आपको 16% से शुरू होने वाले ब्याज को यहां चुकाना पड़ सकता है। हालांकि यह ब्याज आपकी प्रोफाइल, इनकम और क्रेडिट स्कोर के हिसाब से कम या ज्यादा भी हो सकता है। चार्जेस की बात की जाए तो लिए जा रहे लोन पर आपको मिनिमम 1250 से शुरू होने वाले चार्जेस लोन प्रोसेसिंग फीस के रूप में चुकाने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको भी कम सैलरी पर इमरजेंसी लोन लेना है तो वीराइज पर्सनल लोन ऐप आपके बहुत काम की हो सकती है। आप इस ऐप को डाउनलोड करके लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं और इस ऐप से लोन आवेदन करने की डायरेक्ट लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। लेकिन आवेदन करने से पहले कुछ सावधानियां आपको रखना बहुत जरूरी है जिसकी बात हम इस वीडियो के आखिरी में करने वाले हैं। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं दूसरी लोन एप्लीकेशन के बारे में। लेकिन दूसरी ऐप की जानकारी देने से पहले बताना चाहूंगा कि हम इस चैनल के माध्यम से विभिन्न बैंक और फाइनेंस कंपनियों के साथ ही साथ नई नई तत्काल लोन एप्लीकेशन और उनके लोन प्रोडक्ट की संपूर्ण जानकारियां आपके लिए लेकर आते हैं। इन सभी जानकारियों वाली वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत और रिसर्च करनी पड़ती है। ये सभी जानकारियां आसान भाषा में आप तक लगातार पहुंचती रहे ऐसा हमारा प्रयास होता है। तो अगर आप इन वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो को 1 लाइक जरूर करें क्योंकि आपके 1 लाइक से हमें ऐसी ही और ज्यादा वीडियो लाने का मोटिवेशन मिलता है। तो हमारे मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए और अगली लोन एप्लीकेशन की जानकारी देखने और सुनने से पहले वीडियो को 1 लाइक जरूर करें। तो दोस्तों दूसरी लोन एप्लीकेशन की बात की जाए तो इसका नाम है टाटा नियो पर्सनल लोन ऐप। टाटा डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डेवलप और ऑपरेट की जाने वाली इस लोन एप्लीकेशन की मुख्य विशेषताओं की बात की जाए तो यह सिर्फ 10.99% के ब्याज पर लोन देने का दावा करती है। टाटा नियो पर्सनल लोन के यूजर की बात की जाए तो अभी तक इस लोन एप्लीकेशन को 10 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है और इस एप्लीकेशन की गूगल रेटिंग की बात की जाए तो लोगों ने इसे 4.1 स्टार दिए हैं जो कि अच्छी रेटिंग मानी जा सकती है। लोन अमाउंट की बात की जाए तो टाटा नियो पर्सनल लोन से आप 40,000 से लेकर 35 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। लोन अवधि की बात की जाए तो आप इस लोन को अधिकतम
7 सालों में चुका सकते हैं। टाटा नियो पर्सनल लोन से लोन लेने में लगने वाले ब्याज और चार्जेस की बात की जाए तो ब्याज के रूप में आपको 10.99% से शुरू होने वाला ब्याज यहां आपको चुकाना पड़ता है। हालांकि यह ब्याज आपके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। चार्जेस की बात की जाए तो लिए जा रहे लोन पर आपको 1% से लेकर 3.5% का चार्जेस लोन प्रक्रिया शुल्क के रूप में चुकाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, यदि आपको भी 10.99% के कम ब्याज पर लोन लेना है तो टाटा नियो पर्सनल लोन एप्लीकेशन आपके बहुत काम की हो सकती है। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जा सकते हैं। लेकिन आवेदन करने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान आपको रखना बहुत जरूरी है। इन बातों से आप आसानी से समझ पाएंगे कि आपको टाटा नियो पर्सनल लोन से लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये सभी जरूरी बात हम इस वीडियो के आखिरी में करने वाले हैं। दोस्तों, दो लोन एप्लीकेशन की जानकारी के बाद अब बारी आती है तीसरी और आखिरी लोन एप्लीकेशन की, जिसका नाम है राम फिनक्रॉप पर्सनल लोन। आरके बंसल फाइनेंस लिमिटेड द्वारा डेवलप और ऑपरेट की जाने वाली इस लोन एप्लीकेशन की मुख्य विशेषताओं की बात की जाए तो यह कम क्रेडिट स्कोर पर लोन देने का दावा करती है। राम फिनक्रॉप पर्सनल लोन के यूजर की बात की जाए तो अभी तक इस लोन एप्लीकेशन को 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है और इस एप्लीकेशन की गूगल रेटिंग की बात की जाए तो लोगों ने इसे 4.3 स्टार दिए हैं, जो कि बढ़िया रेटिंग मानी जा सकती है। लोन अमाउंट की बात की जाए तो राम फिनक्रॉप पर्सनल लोन एप्लीकेशन से आप 1,000 से 1,00,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। लोन अवधि की बात की जाए तो आप इस लोन को 1 साल से 5 साल में भुगतान कर सकते हैं। राम फिनक्रॉप पर्सनल लोन एप्लीकेशन से लोन लेने में लगने वाले ब्याज और चार्जेस की बात की जाए तो ब्याज के रूप में आपको लोन पर आधारित ब्याज यहां चुकाना पड़ सकता है। हालांकि यह ब्याज आपकी प्रोफाइल, इनकम और क्रेडिट स्कोर के हिसाब से कम या ज्यादा भी हो सकता है। चार्जेस की बात की जाए तो लिए जा रहे लोन पर आपको लगभग 2 से 5% तक का चार्जेस लोन प्रोसेसिंग फीस के रूप में चुकाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, यदि आपको भी कम क्रेडिट स्कोर पर लोन लेना है तो राम फिनक्रॉप पर्सनल लोन एप्लीकेशन आपके बहुत काम की हो सकती है। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं और इस लोन की डायरेक्ट लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। आवेदन करने से पहले वीडियो का आखिरी पार्ट जरूर देखें, क्योंकि इसमें कुछ सावधानियां बताई गई है जिससे आपको समझ आ पाएगा कि आपके लिए वीराइज एप्लीकेशन या बाकी की दो एप्लीकेशन यानी टाटा नियो या राम फिनक्रॉप से लोन लेना चाहिए या नहीं, और अगर आपको लोन लेना ही है तो किन किन बातों का ध्यान आपको रखना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, जैसा कि हर लोन एप्लीकेशन की जानकारी के आखिरी में हमने कहा कि लोन आवेदन करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना या सावधानियां रखना आपके लिए जरूरी है, तो चलिए एक एक करके उन सावधानियों की बात करते हैं जिसका ध्यान हमें तीनों लोन एप्लीकेशन में से किसी भी एक से लोन लेना पड़े तो रखना उससे पहले जरूरी है। इन्हीं सावधानियों में से पहली है कि वीराइज पर्सनल लोन ऐप और राम फिनक्रॉप पर्सनल लोन, इन दोनों लोन एप्लीकेशन के ब्याज और चार्जेस दूसरी बैंक और फाइनेंस कंपनियों से लिए जाने वाले पर्सनल लोन से बहुत ज्यादा है और ये आपकी खराब प्रोफाइल और कम क्रेडिट स्कोर के आधार पर और भी ज्यादा हो सकते हैं। तो जब तक बहुत जरूरी ना हो इन लोन एप्लीकेशन से लोन लेना अवॉइड करें। दूसरी जरूरी बात कि लोन लेने के लिए जब भी आप इन तीनों लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो यह ऐप आपके मोबाइल में विभिन्न परमिशन जैसे लोकेशन, फोटो, फाइल और सबसे जरूरी आपके फोन में मौजूद कॉन्टेक्ट की जानकारी मांग सकती है। तो निर्णय आपका है, आपको ये जानकारी या परमिशन देना है या नहीं। इन तीनों लोन एप्लीकेशन में से किसी से भी लोन आवेदन करने या लोन लेने के पहले ध्यान में रखी जाने वाली तीसरी और आखिरी सबसे जरूरी बात है कि हम इस तरह की वीडियो आपको आसान भाषा में इन लोन एप्लीकेशन की जानकारी देने के उद्देश्य से लाते हैं। ऐसे में हम ये भी कहना चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम वीराइज पर्सनल लोन ऐप, टाटा नियो पर्सनल लोन और राम फिनक्रॉप पर्सनल लोन, इन तीनों लोन एप्लीकेशन का प्रचार या प्रसार नहीं करते हैं और ना ही इन तीनों एप्लीकेशन को बनाने वाली कंपनियों ने हमें ऐसा करने के लिए स्पॉन्सर किया है। तो वीडियो में बताई गई जानकारी के आधार पर लोन लेना न लेना आपका ही अधिकार है। ऐसे में हमेशा अपने विवेक से काम लेना आपके लिए ठीक होगा। तो दोस्तों, ये थी तीन लोन एप्लीकेशन की छोटी सी जानकारी जो आपको तत्काल लोन और तेजी से लोन उपलब्ध कराने का दावा करती है। दोस्तों, अगर आप इन तीनों एप्लीकेशन में से किसी भी एप्लीकेशन की डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप उस एप्लीकेशन का नाम कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके किसी एक एप्लीकेशन को लेकर ज्यादा कमेंट आते हैं या तीनों को लेकर ज्यादा कमेंट आते हैं तो हम
पर्टिकुलर एप्लीकेशन, लोन एप्लीकेशन पर डिटेल वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यदि आपको भी कम सैलरी पर इमरजेंसी लोन की जरूरत है तो इन तीनों एप्लीकेशन में से किसी भी एक का आप यूज कर सकते हैं। तो आप किस लोन एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं उस एप्लीकेशन का नाम कमेंट जरूर करें, लेकिन इन एप्लीकेशन का उपयोग मेरे द्वारा बताई गई सावधानियों को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। दोस्तों आखिरी में बताना चाहूंगा कि मैं पिछले 14 सालों से लोन और फाइनेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ हूं और आज देश के हर नागरिक तक ऐसी ही सही जानकारी पहुंचाना मेरा मिशन है। हो सकता है इस जानकारी की जरूरत आपके किसी मित्र या रिश्तेदार को भी हो तो उनसे ये वीडियो शेयर करके आप उनकी मदद कर सकते हैं और इस मेरे मिशन से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आपके पास इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए, वीडियो को लोगों से शेयर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगली बार ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।